इतना दर्दनाक हादसा की तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल उठे। जब सीएम योगी भी पहुंचे तो हैरान रह गए कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। वाराणसी के कैंट इलाके में करीब 5000 किलो का स्लैब गिरा, जिसके नीचे कई जिंदगियां दब गई और कईयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां रात में ही सीएम योगी घटना स्थल का मुआयना करने पहुंचे, तो उसके बाद उन्होंने हादसे का शिकार हुए लोगों का हाल जानने के लिए बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय ट्रॉमा सेंटर का भी रुख किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पहुंचकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि यूपी सरकार पहले ही इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। यही नहीं, यूपी सरकार ने इस हादसे की निष्पक्ष जांच के लिए एक 3 सदस्य कमेटी की भी घोषणा कर दी है। बहरहाल यूपी सरकार ने इस प्रोजेक्ट में शामिल लोगों को निलंबित कर दिया है। पूरी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम के लिए और तत्काल राहत कार्य प्रारंभ करने के बारे में भी आवश्यक निर्देश जारी किए। मैंने तत्काल अपने डिप्टी सीएम को और प्रदेश के अपने विभाग जो विभागीय मंत्री थे उनको यहाँ पर स्वयं मौके पर राहत कार्यों को प्रारंभ करने के लिए भेजा। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के लिए एपीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया है, जिसमें सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता और विभाग प्रमुख तथा जल निगम के एमडी को उसमें सदस्य के रूप में रखा है और 48 घंटे के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट इलाके में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिर गया, जिसके नीचे कई जिंदगियां दबकर मौत की नींद सो गई। इस हादसे से इलाके में कोहराम मच गया और राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और पुलिस की कई टीमें पहुंची। पुल की शटरिंग हटाने के लिए आधा दर्जन क्रेन भी पहुंची। बहरहाल अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बड़े हादसे का जिम्मेदार आखिर है कौन। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, वाराणसी।